दोस्तों कोलकाता को हराकर हार्दिक पांड्या ने भरी हुंकार, अब मुंबई इंडियंस को दिखाऊंगा उनकी औकात। तो ऐसे में क्या कुछ है, पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं हार्दिक पांड्या और गुजरात टाइटंस टीम के फैन, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों IPL 2022 में अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें गुजरात टाइटंस एक नए टीम के रूप में उभर कर आ रही है, उसने बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस ने अब तक अपने 7 मुकाबले खेले, 6 जीते और पॉइंट्स टेबल में 12 अंक हैं, वहीं पॉइंट्स टेबल में भी नंबर 1 पर है। और इसका कारण है दोस्तों हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या इस समय IPL में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ गेंदबाजी में भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी पे गौर करा जाए तो अब तक हार्दिक पांड्या ने हर मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी है और इस समय IPL में हार्दिक पांड्या के नाम काफी ज्यादा रन भी हो चुके हैं। दोस्तों 295 रन 73 की औसत से हो चुके हैं, वहीं 136 के स्ट्राइक रेट। और ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो हार्दिक पांड्या कितने बढ़िया खिलाड़ी हैं। ऐसे में दोस्तों कल हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद तक उन्होंने एक बयान दिया कि मुंबई में अब नहीं खेल रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि इन मैचेस को कैसे जीतना है। और ऐसे में हार्दिक पांड्या ने एक और बड़ी बात कही, मुंबई अच्छी टीम है लेकिन मुंबई में अब वह बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। जो दोस्तों कल कोलकाता को हराकर हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को बता दिया कि आने वाले मुकाबले में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को भी हरा देंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, क्या हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को हरा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।